الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم व्यूअर्स आज एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक आपके सामने हदीस बयान कर देता हूं। بسم الله الرحمن الرحيم हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई इंसान को हर आफत से महफूज रखती है और झूठ उसे हलाक कर डालता है। इस हदीस में हमें सच बोलने की तरगीब दी गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। क्वेश्चन शुरू करते हैं व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। हमने नंबर मालूम करना है कि वो नंबर क्या है। सबसे पहले उस नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर एक्स। हमने नंबर लेट कर लिया कि वो एक्स है। अब क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर। 5 टाइम्स अ नंबर का मतलब है कि उस नंबर को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। हमने जो नंबर लेट किया हुआ है वो एक्स है, तो एक्स को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। ठीक है, आगे सम, उसमें क्या चीज जमा करनी है, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसका स्क्वायर भी किया जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर भी किया जाएगा, उन दोनों को ऐड किया जाएगा। किसके बराबर आएगा वो, इज 204 इक्वल टू 204। इसको हम इक्वेशन की शेप में लिखेंगे। देखें, 5x प्लस किया जाएगा उसमें स्क्वायर ऑफ द नंबर x स्क्वायर, किसके बराबर है, इज 204 इज इक्वल टू 204। इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 204। अब 204 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा, ये माइनस 204 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, 17x एंड माइनस 12x इसकी मिड टर्म ब्रेक हुई, तो जो ये फाइनल जो इक्वेशन बनी इसकी, 7x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 17 एंड x इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया। ये दो वैल्यूज x की आ गई, आंसर हमारे दो आ गए। आप इसको चेक करने के लिए x को, x इज इक्वल टू माइनस 17 को इस इक्वेशन में पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, या आप 12 पुट करके देख लें, 12 पुट करके देख लें, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। यानी कि ये दो आंसर्स आ गए हैं हमारे, x की दो वैल्यूज हैं। अब यार यहाँ पे आप एक चीज नोट रखें, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वहां पे क्वेश्चन में गिवन था पॉजिटिव नंबर, नंबर के शुरू में लिखा हुआ था पॉजिटिव, तो हमने इस वजह से नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, वो हमारा आंसर नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी थी कि जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अब कंडीशन नहीं है, अब सिर्फ नंबर की बात हो रही है, तो आपको पता है काउंटिंग पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तो अब हमारे दो आंसर आ गए हैं, माइनस 17 एंड 12, ये दोनों हमारे आंसर। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, सिंपल। इसमें मेन चीज क्या थी, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाना मेन चीज थी, यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसमें ऐड किया सम का मतलब प्लस, ऐड किया 5 टाइम्स का नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 204। इक्वेशन लाइक विद एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस 17 एंड एक्स इज इक्वल टू 12। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ या किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।